अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। वो आपने मुहावरा तो सुना होगा कि 100 प्याज और 100 लीटर। मुल्तान में पीटीएम के जलसे के हवाले से हुकूमत के साथ वही हुआ इस मुहावरे की तरह कि 100 प्याज भी खाए 100 लीटर भी खाए। 3 दिन से 4 दिन तक पीटीएम की कवरेज हुई है मुल्तान के जलसे के हवाले से कि जलसा नहीं हो रहा, रुकावटें आ गई, पुलिस, गिरफ्तारियां, सब कुछ, और पीडीएम का जलसा भी हो गया। न सिर्फ जलसा हो गया लेकिन उसकी मुस्तकबिल की हिकमत अमली मजीद तेज हो गई है और हुकूमत के खिलाफ मजीद मुश्किलात का सामान तैयार किया गया है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और अपना इनपुट जरूर दें। तो मैं बात कर रहा था मुल्तानवी पीडीएम के जलसे के हवाले से। जो भी पीडीएम के जलसे हुए हैं, ये मुल्तान में चौथा जलसा है पीडीएम का और ये पीपल्स पार्टी के योम तासीस के हवाले से ये जलसा मुनक़द किया जा रहा था और 30 नवंबर का शेड्यूल था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने वही किया जो जिसका मैं जिक्र पहले कर चुका था कि 100 प्याज 100 लीटर। पहले जो भी जलसे हुए उनकी कवरेज ज्यादा ज्यादा उसी दिन हुई या दूसरे दिन जो कवरेज छपी है प्रिंट मीडिया में, क्योंकि उन जलसों में दो जलसों को मियां नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया था और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो तकारीर की हैं उसके हवाले से उसकी बड़ी कवरेज हुई। लेकिन पिशावर का जलसा आपके सामने था, एक नॉर्मल जलसा हुआ, एक दिन का जलसा हुआ और उसकी कवरेज उसी दिन हुई और अल्लाह अल्लाह खैर से हुआ। लेकिन पता नहीं पीडीएम के मुल्तान के जलसे के हवाले से बुज़दार साहब को और बुज़दार साहब की काबीना को किसी ने ये मशवरा दिया कि ये आप जलसा पीडीएम को न दे, आपकी लय हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी। और तो बुज़दार साहब और उस बुज़दार के काबीना के मेम्बरान और फिरदौस आशिक ऐवान साहब सारे मुतहरक हो गए कि पीडीएम को जलसा मुल्तान का नहीं करने देना। पुलिस आ गई, कंटेनर आ गए, ग्राउंड सारा बंद हो गया, सब कुछ ताले लग गए। लेकिन कारकुनों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, खास करके सैयद यूसुफ रजा गेलानी के बेटों ने वो करके दिखाया कि बुज़दार साहब भी क्या याद रखेंगे। उन्होंने अपनी जो खानदान की सियासत है पंजाब में उसको ये कहा जा सकता है कि मुल्तान में दोबारा रिवाइव किया। उसके दो बेटे गिरफ्तार हुए, उसकी जमानती हुई, वो आजाद भी हो जाएंगे। ये सियासी केस है और सियासी केसों में ऐसा ही होता है। लेकिन ये बात मानने वाली है कि उन्होंने, उनके चार बेटों ने एक बहुत बहादुरी का सबूत दिया है और उसको उन्होंने अपनी पार्टी को पंजाब में, खास करके मुल्तान में बहाल करके दिखाया है। वो आगे उसके बाद राणा सनाउल्लाह पहुंच गए एक दिन, एक रोज पहले, फिर मौलाना फजल रहमान पहुंच गए, उनके कारकुन पहुंच गए। जो जलसा एक ग्राउंड में होना था, एक महदूद जगह पे होना था, वो हुकूमत की हिकमत अमली, दानशमंदाना हिकमत अमली उसको कहा जा सकता है, वो सारा मुल्तान जलसा का बन गया। हर गले कूचे में जलसा हो गया, हुकूमत के खिलाफ नारे लग गए और हुकूमत पे जो जो कुछ नारे वहां सुनाई दिए वो मेरे ख्याल में 70s के बाद फिर दोबारा न्याजी के हवाले से वो नारे सुनाई दे दिए गए, जिसका मैं जिक्र करना या उन नारों को दोहराना यहाँ इस अपने प्रोग्राम में मुनासिब नहीं समझता। लेकिन वहां क्यादत पहुंच गई, पीटीएम की सारी क्यादत पहुंच गई और बड़ी बात ये हो गई कि एक कोऑर्डिनेशन सियासी बना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में, वो भी शहीद बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान। अब सेकंड जो जनरेशन की कोऑर्डिनेशन बनी थी वो बनी थी मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की। आज आसफा बीबी उसी कोऑर्डिनेशन में आ गई हैं। आज जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत ये कहा जा सकता है कि बीबी आसफा ने की, और मरियम जब आई तो उसने, बीबी आसफा ने उसका इस्तकबाल किया और स्टेज पे ही उन्होंने मरियम नवाज साहबा से अपनी उसकी दादी के वफात पे ताज़ियत का इजहार किया और मरियम सफदर ने, मरियम नवाज ने उसके शुक्र, उसका यकजहती का इजहार किया, उसका शुक्राना अदा किया और उन्होंने, दोनों ने हाथ मिला के एक मुतहद होने के, इतिहाद करने का और मुस्तकबिल में साथ चलने का एक अपना जो बयान आया था उसको दोहराया। मुझे समझ में नहीं आई कभी भी ये 2-2.5 साल की हुकूमत इमरान खान की कि ये ऐसे अकलमंदाना फैसले इनको कौन करवाता है,
ये भाई सारे मुल्तान में आपने एक ग्राउंड पे जलसे होने थे, आपने सारे मुल्तान में जलसे करवा दिए। एक जलसे एक दिन की कवरेज होती थी पीडीएम के जलसों की, वो आपने 4 दिन पीडीएम के को कवरेज मीडिया पे करा दी, और आपने 100 प्याज भी खाए और वो आपने 100 लीटर भी खाए। एक तो हो गई ये बात जो पीडीएम के मुल्तान के जलसे हवाले से। दूसरी बात ये हो गई कि पहले तो ये होना था कि अगर पीडीएम को सुकून से सिर्फ ग्राउंड पे जलसा करने दिया जाता तो सेकंड जो जलसा था वो 13 दिसंबर को लाहौर में होना था। उसके दरमियान में बहुत सारा शेड्यूल है, आज 30 है और जो 13 को होना है जलसा, 13 दिन पड़े थे। लेकिन अब ये हुआ है कि इन 2 हफ्तों में पीडीएम के सारे मुल्क में मुजाहरे होंगे हर जुमे को, हुकूमत के खिलाफ और नियाजी साहब के खिलाफ और वजीर अजम के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ वही नारे लगेंगे जो 70s में एक नियाजी के खिलाफ लगे थे। यार कौन लोग हो आप, कहां से आए हो, क्या अकल है, क्या दानिशमंदी है? या तो आपको पीडीएम को जलसा नहीं करने देना था तो नहीं करने देना था, आपने उनकी कवरेज भी करवा दी, उनकी बले बले भी करवा दी, उन्होंने को जलसा भी करा उन्होंने कर दिया और आपको सारा कुछ वो सुना दिया जो आपको सुनना आप गवारा नहीं कर रहे थे। अब बीबी मरियम नवाज कहती है कि पीछे नहीं हटना और उन लोगों से इंतकाम लेना है, उनको सबक सिखाना है जिन्होंने 70 साल इस मुल्क में हुक्मरानी की और 20 20 साल उन्होंने हुक्मरानी की। उसका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है था, और उसका इशारा जो साबिक डिक्टेटर रहे हैं उनके तरफ है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी जाती है, उनके खानदान को उसके उसका लाश भी नहीं दिया जाता, वहां जनाजे नमाज भी उसको अदा करनी नहीं दी जाती, बुगटी को एक आर्मी कर शहीद किया जाता है, उसके खानदान को उसका जनाजा पढ़ने नहीं दिया जाता, शहीद बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है, लेकिन आप मुशरफ का एक डिक्टेटर का बाल भी बेकार नहीं कर सके। कोई किसी माई को लाल को ताकत नहीं हुआ कि पाकिस्तान में किसी डिक्टेटर पे हाथ हो जो उठाए। ये बहुत बड़े सवाल हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए, जमहूरी इदारों के लिए। और यही बातें बीबी आसफा ने की, बीबी आसफा की तकरीर काफी दिनों के बाद मैंने आज जो देखी पीटीएम में, सच्ची 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 बताऊं मुझे उसमें बहुत सारे शहीद बेनजीर भुट्टो के जो एक रिवायती हैं, या ऐसे समझे कि उनकी जो सियासी जदोजहद के उसमें निशानियां हैं वो मुझे देखनी नहीं। उसका हाथ उठाने का स्टाइल, उसके तकरीर करने का स्टाइल, और तो और उसके जो एक्सेंट था उसका, वो भी लगभग बीबी के साथ, और बीबी की उर्दू भी ऐसी थी जैसी बीबी आसफा की आज थी। तो जब ये बेटियां, पाकिस्तान की बेटियां सियासत में आ गई, जिसका जिक्र मरियम नवाज ने भी किया, बीबी आसफा ने भी किया कि जब कौम पे मुश्किल वक्त आए तो पाकिस्तान की बेटियां मैदान में कूद पड़ी हैं, तो मैदान में कूद पड़ी हैं, और आज मुल्तान की जलसे में पीडीएम के जलसे की जो कामयाबी है उसका सेहरा मैं समझता हूँ कि इन बेटियों के सर पे है। अगर ये नहीं होती तो मेरे ख्याल में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी एक शक की गुंजाइश है कि जो पीडीएम की मर्द क्यादत है वो कहीं न कहीं हो सकता है कि कहीं लचक दिखा दे, जैसे शहबाज शरीफ ने कुछ दिन परसों दिखाया, कौमी डायलॉग की बात की, हालांकि पीडीएम की क्यादत इस डायलॉग को, हुकूमत के साथ डायलॉग को रिजेक्ट कर चुकी है। अब हर जुमे कमिंग जुमे को जलसे होंगे, जुलूस होंगे हुकूमत के खिलाफ, और 13 दिसंबर को जलसा होगा फिर लाहौर में, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान आज कह चुके हैं कि पड़ाव होगा इस्लामाबाद में और फैसला होगा वहां पे। तो ये थी सारी कारगुजारी, और मेरे ख्याल में तो जो दानिशमंदी, ये अकलमंद ये हुकूमत है, ये शायद लाहौर के हवाले से भी वही चीज दोहराएगी जो आज मुल्तान में उन्होंने दोहराई है। जो भी अपडेट सूरत हाल होगी आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।